देखते हैं आगे कैन सॉल्व में काम शुरू करना था और हम 2018 के सेट नंबर एक में थे। पांच का पार्ट क्वेश्चन है, वोल्टता नियंत्रक के रूप में जेनर डायोड की उपयोगिता उपयुक्त परिपथ द्वारा स्पष्ट कीजिए। आपकी जानकारी के लिए बताते चलें, जो जेनर होता है वो भी एक डायोड है और जेनर डायोड का जो निर्माण है, जो आविष्कार है, वो क्लारेंस जेनर ने किया था। किसने किया था? क्लारेंस जेनर ने। इस डायोड की खास बात क्या है? इस डायोड में अपमिश्रण का अनुपात सामान्य डायोडों की अपेक्षा ज्यादा होता है। अधिक होता है। इससे क्या होता है? इससे यह होता है, सामान्य डायोडों में शुद्ध अर्धचालक के 10^8 परमाणु में एक परमाणु अपद्रव्य का मिलाया जाता है, इम्प्योरिटी का मिलाया जाता है, और जनरल डायोड में जो रेशियो बना वो बना 10^8:1। लेकिन ये रेशियो जेनर में ज़्यादा होता है। ज़्यादा जेनर में ये रेशियो होने के कारण जेनर रिवर्स बायस में भी करंट सप्लाई देने लगता है, जबकि फॉरवर्ड में तो देता ही देता है। इसका मतलब जेनर एक ऐसा डायोड बन जाता है जो रिवर्स में भी करंट सप्लाई करता है और फॉरवर्ड में भी करंट सप्लाई करता है। तो जानकारी के लिए यह भी बात आप ध्यान रखिएगा कि जेनर डायोड फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस दोनों ही बायस में करंट सप्लाई करता है। जेनर डायोड का परिपथ प्रतीक भी यहीं पर हम चर्चा कर लें। परिपथ प्रतीक क्या है? परिपथ प्रतीक देखिए, ये है आपका जेनर डायोड का प्लस सिरा, इसको हम एनोड कहते हैं, और ये है जेनर डायोड का माइनस सिरा, एनोड लिखिएगा, इसे हम कैथोड कहते हैं। और इस तरह से कुछ इसका प्रदर्शन करते हैं। ये प्रदर्शन भी एक नंबर में पूछा जाता है, इसलिए आप लोग ज़रूर तैयार रखेंगे। इस तरह का प्रदर्शन हो गया, ठीक है। अब इसको ज़्यादातर सर्किट में कैसे जोड़ते हैं? इसके एनोड को किसी सोर्स से, किसी इलेक्ट्रिक सोर्स के माइनस टर्मिनल से जोड़ना चाहिए और इसको प्लस टर्मिनल से। हालांकि ये फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों में ही वर्क करता है, लेकिन फिर भी इसकी कनेक्शन, जो इसकी कनेक्टिंग होनी चाहिए, वो रिवर्स में होनी चाहिए। तो देखिएगा, यहाँ पर हम एक चित्र दिखा रहे हैं कि कोई डीसी करंट लगाया गया है और वो ऐसी डीसी है जो बदल रही है। स्पंदमान डीसी वोल्टता है जो फिक्स नहीं है। कभी वोल्टेज सडनली बहुत ज़्यादा हो जाता है, वोल्टेज कम हो जाता है, तो उस दशा में जो है जेनर क्या काम करता है? जेनर आगे जो भी सिस्टम चल रहा होगा उसको वो प्रॉपर ही वोल्टेज देता है, वो कम और ज़्यादा करके नहीं देता है। यानी वो वोल्टेज को स्टेबलाइज करके आगे भेजता है। स्टेबलाइज माने होता है नियंत्रित रखना या एक प्रॉपर वैल्यू पर फिक्स करना, जिसे आप घर में अपने स्टेबलाइजर कहते हो आप। तो इसके सीरीज में हम एक रेजिस्टेंस लगाएंगे,
इस तरह से। इस रेजिस्टेंस का काम क्या है? ये रेजिस्टेंस जब यहाँ कभी सडनली वोल्टेज बढ़ता है तो उस वोल्टेज के कुछ हिस्से को खुद एडजस्ट करता है, क्योंकि सीरीज में हम जानते हैं कि जो वोल्टेज होता है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो वोल्टेज कुछ इसमें एडजस्ट हो जाता है। लेकिन वोल्टेज एडजस्ट होने के कारण, यानी वोल्टेज इसमें ज़्यादा जाने के कारण, सर्किट का जो रिजल्टेंट करंट है वो बढ़ जाता है। I बराबर V अपॉन R के अनुसार V बढ़ जाता है तो करंट बढ़ जाता है। तो ये समस्या है। तो इसके सीरीज में हम क्या करेंगे, इसके सीरीज में हम एक जेनर डायोड लगाएंगे, वो भी उल्टा लगाएंगे इस तरह से। ये जेनर डायोड हमने उल्टा लगाया है, ये देखिए, उल्टा का मतलब रिवर्स बायस लगाया है। ऐसा जैसा कि हम आपको बता रहे थे कि हम इसे रिवर्स बायस ही कनेक्ट करेंगे, इसे फॉरवर्ड बायस कनेक्ट नहीं करेंगे। रिवर्स बायस कनेक्ट करेंगे, ठीक। अब क्या होता है देख लीजिएगा, ये कैथोड है और कैथोड को प्लस से जोड़ा है, ये एनोड है, एनोड को माइनस से जोड़ा है, रिवर्स बायस। ये हमारा जेनर हो गया। इसके समांतर क्रम में उस सर्किट को लगाते हैं जिसमें हमें स्टेबलाइज्ड करंट भेजना होता है या स्टेबलाइज्ड वोल्टेज प्राप्त करना होता है। तो मोस्टली ये कोई सर्किट हो सकता है आपके घर में, जो कुछ भी है वो हो सकता है, लेकिन यहाँ पर इसको जो है हम लोड रेजिस्टेंस नाम देते हैं, लोड प्रतिरोध है ये हमारा, जिसे हम RL से रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस तरह से। तो इससे ये समझ में आ रहा है कि अगर यहाँ से कोई करंट चला होगा तो यहाँ करंट दो भागों में डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा। जेनर के पास कोई करंट गया होगा, बचा हुआ करंट आगे गया होगा, और आगे मान लो एक प्रॉपर करंट जाना है जिसके लिए VL बराबर I इंटू RL को रहना है, फिक्स रहना है इसको जो है। मान लो आगे I गया होगा तो इसको फिक्स रहना है, ना इसको कभी कम होना है ना ज़्यादा होना है। और ये कम ज़्यादा कब हो सकता है? ये कम तब हो सकता है या ज़्यादा तब हो सकता है जब इनमें से कोई भी एक मान बदल जाए, वो चाहे I बदल जाए चाहे RL बदल जाए, इनमें से किसी एक मान के बदल जाने पर यह घटना हो जाएगी, ठीक है। अब आगे देखिएगा, अब थोड़ा सा इसको और समझ लेते हैं। अब हमें, यानी हर हाल में जब कभी इसमें कोई फ्लक्चुएशन हो तो VL वही बना रहे, इसके लिए जो भी सिस्टम्स यहाँ लगाए जाने चाहिए वो हमने लगा लिए हैं। VL अगर वही बना रहे, इसके लिए ज़रूरी है कि I अगर किसी कारणवश कम हो जाए तो RL बढ़ जाए, और I अगर किसी कारणवश बढ़ जाए तो RL घट जाए। मोटा मोटा आप ऐसा समझ लीजिए, ठीक है। क्या घटेगा बढ़ेगा वो हम अभी सीन देखेंगे यहाँ पर। अब देखिए थोड़ा सा जेनर के बारे में। जेनर हमारे घर का बैंक है, जेनर हमारे घर के माता पिता हैं। जब कभी हम उन्हें पैसा कमा के थोड़ा थोड़ा देते जाते हैं तो कभी ज़रूरत पड़ने पर मम्मी पापा वो जो है आपकी ही पढ़ाई में या हम लोगों के स्टेटस में कहीं खर्चा कर देते हैं। या मम्मी पापा की कहानी समझ लीजिए कि मम्मी को कुछ पैसे पापा देते जाते हैं और थोड़े थोड़े पैसे करके मम्मी इकट्ठे कर लेती हैं, और कभी ज़रूरत लगती है तो माता जी वही पैसे दे देती हैं। तो यहाँ पर भी वही सिनेरियो है। ये जो जेनर डायोड है, जेनर डायोड करंट को फ्लक्चुएट कर सकता है एक लिमिट के भीतर। जेनर डायोड अगर ज़रूरत पड़ी तो ज़्यादा से ज़्यादा करंट को आगे सप्लाई दे सकता है और खुद का करंट कम कर लेगा। और अगर करंट को यहाँ कम करने की ज़रूरत हुई तो जेनर डायोड अपने करंट को बढ़ा लेगा और आगे नियंत्रित करंट भेजेगा। यानी ये कहा जा सकता है कि जो जेनर का करंट है वो जेनर का करंट IZ मैक्सिमम से IZ मिनिमम के बीच में फ्लक्चुएट करता है।
जरूरत पड़ेगी तो ये IZ अपने आप में IZ मैक्सिमम हो जाएगा, जरूरत पड़ेगी तो ये IZ अपने आप में IZ मिनिमम हो जाएगा। ये जेनर की खासियत है। ठीक है, अब देखिए, मान लीजिए किसी कारणवश यहाँ वोल्टेज सडनली हाइक हो जाता है, सडनली वोल्टेज बढ़ जाता है, तो वो वोल्टेज इससे कवर हो जाएगा जो यहाँ बढ़ा है, लेकिन इसके कारण करंट बढ़ जाएगा। वोल्टेज तो कवर हो जाएगा लेकिन करंट बढ़ जाएगा, तो वो करंट आगे जब बढ़ेगा तो वो करंट यहाँ ज़्यादा जाने लगेगा। सपोज करो अगर यहाँ ज़्यादा जाने लगेगा करंट, तो ये ज़्यादा हो जाएगा और ये ज़्यादा हो जाएगा तो ये बढ़ जाएगा, मतलब ये बदल गया। और हम ये बार बार कह रहे हैं कि वोल्टेज स्टेबलाइजर का मतलब है कि इसे नहीं बदलना है, एनी हाउ वी हैव नॉट टू चेंज दिस वैल्यू। तो जब यहाँ पर वोल्टेज बढ़ा तो उसकी वजह से यहाँ वोल्टेज कंट्रोल हुआ, उसका रिजल्टेंट करंट बढ़ा, और वो रिजल्टेंट करंट आगे नहीं जाने देना है, क्योंकि अगर आगे जाएगा ज़्यादा बढ़ा हुआ करंट अगर आगे बढ़ेगा तो VL बढ़ जाएगा। तो ऐसी दशा में जेनर क्या करता है, जेनर ज़्यादा जो करंट आवश्यकता से ज़्यादा जो करंट है उसको अपने आप में स्टोर कर लेता है, IZ मैक्सिमम कर लेता है, और इस तरह से वहाँ जो करंट जरूरी है वही करंट पहुँचता है, और इस तरह से जो है VL बराबर IRL के अनुसार वो चीज़ कांस्टेंट बनी रहती है। सेकंड कंडीशन में आइए, मान लीजिए किसी कारणवश ये लोड रेजिस्टेंस जो है घट जाता है, कुछ भी, अगर ऐसा भी मान सकते हो कि ये लोड रेजिस्टेंस जर्मेनियम सिलिकॉन का बना हो और डोपिंग हो, उसमें थोड़ा सा चालक युक्त बना दिया जाए, तो जब करंट जाएगा तो इसका टेम्परेचर बढ़ने लगेगा और टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ इसका रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, लोड रेजिस्टेंस। तो ऐसे दशा में जब इसका रेजिस्टेंस कम हो जाएगा तो फिर ये वी कम होने लगेगा, और जब ये वी कम होने लगेगा तो इस वी को एडजस्ट करने के लिए ये जो ज़्यादा करंट अपने आप में स्टोर किए हुए था, ये ज़्यादा वाले करंट को आगे भेज देता है, और इसका करंट पुनः जो है IZ मैक्सिमम से चेंज हो करके IZ मिनिमम हो जाता है। और इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि ये हमारा जो पूरा सिस्टम है ये नॉर्मली वोल्टेज स्टेबलाइजर की तरह काम करने लगता है। तो ये है बच्चों जेनर डायोड एज अ वोल्टेज स्टेबलाइजर। कुछ इसमें मैथमेटिक्स अगर आप अप्लाई करना चाहें, जैसे यहाँ पर आपने V इनपुट मान लीजिए इतना लगा रखा है, और इसका चूंकि ये सीरीज कॉम्बिनेशन है यहाँ से यहाँ तक, तो अगर इसमें वोल्टेज V गया है और इसमें वोल्टेज अगर VZ गया है तो ये तो कह सकते हो कि समांतर क्रम में है, इसलिए इसमें भी VZ जाएगा। अब इसका नामिनेशन आप कुछ भी कर लो, बाहर वाले को हम VZ ना कह के हम कह दें कि VL है, या हम इसी को V आउटपुट बोल दें, तो बोल आप कुछ भी दीजिए, लेकिन चूंकि ये समांतर क्रम व्यवस्थित हैं इसलिए इनके वोल्टेज आपस में बराबर होंगे। तो ऐसा करने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे चूंकि DC है इसलिए आप ऐसे जोड़ सकते हैं V इनपुट बराबर VR प्लस VZ ऐसा, तो यहाँ से VZ भी आ सकता है, V इनपुट माइनस VR, और VZ को हम IZ लिख सकते हैं, IZ इंटू जो भी उसका रेजिस्टेंस हो इसका इस समय, IZ इंटू Z, तो आगे IZ कैलकुलेट किया जा सकता है, या जो कुछ भी, मतलब हमारे पास ये मेन कॉन्सेप्ट है कि DC इस तरह से वेरी कर रहा है, और उसको जो है हम इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं कि V इनपुट बराबर VZ प्लस VR या VR प्लस V आउटपुट, बात वही है। तो आई थिंक या इस तरह से यहाँ पे V आउटपुट अगर हम लिख लेंगे, चूँकि VZ लिखो या VL लिखो या V आउटपुट लिखो तो बात वही है, तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि V इनपुट माइनस V आउटपुट बराबर VR, और VR को हम IR भी बोल सकते हैं,
तो इससे टोटल करंट सर्किट का निकल आएगा वी इनपुट माइनस वी आउटपुट, और आई बराबर आ जाएगा वी इनपुट माइनस वी आउटपुट बाई आर, ठीक है। और यहाँ का जो आई आएगा वो सर्किट का परिणामी करंट होगा, क्योंकि करंट डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ से लागू है, इसके पहले तो जो रिजल्टेंट करंट था वही चल रहा था। तो इसमें जनरेटर डायोड में जितनी संभावित बातें थी वो हम सारी बातें आपको बता चुके हैं। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, किसी रेडियो एक्टिव स्रोत से टी बराबर 0 तथा टी बराबर 8 सेकेंड पर गणना दर क्रमशः 1600 प्रति सेकेंड तथा 100 प्रति सेकेंड है, टी बराबर 6 सेकेंड पर गणना दर क्या होगी। चलिए इसे भी हम देखेंगे। बहुत अच्छा सवाल है, देखते हैं इस सवाल को। तो अगला सवाल हमारे पास लिखा हुआ है, किसी रेडियो एक्टिव स्रोत से टी बराबर 0 तथा टी बराबर 8 सेकेंड पर गणना दर क्रमशः, टी बराबर 0 पर जो हमारी गणना दर है वो प्रारंभिक गणना दर कहलाती है एन 0, और ये है 1600 प्रति सेकेंड। टी बराबर 8 पर जो गणना दर है वो 100 बची है, और टी बराबर 6 पर हमें गणना दर बतानी है, तो इसको टी डैश बराबर 6 मान लेते हैं और हमें एन डैश बताना है। देखो हम आपको बता दें कि ये सवाल जो भी बनाया गया है यह भी बहुत अच्छा है, इट इज़ आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, और इसमें भी आपको मैथमेटिक्स का मेरे हिसाब से अच्छा यूज करना पड़ेगा, और अगर आपका अभ्यास नहीं है तो फिर ऐसे सवाल थोड़ा सा मुश्किल होंगे। आप देखिए कैसे लगाएंगे। हम सब लोगों ने एक सूत्र पढ़ रखा है, n बराबर n नॉट e की पावर माइनस लेमडा टी, ये करके पढ़ा है, और n यहाँ हमारे पास 100 है और n नॉट हमारे पास 1600 है e की पावर माइनस लेमडा, और t की वैल्यू 8 है, ये कैंसिल होगा और 1/16 इक्वल टू e की पावर माइनस 8 इंटू लेमडा। दोनों पक्षों में अगर हम लॉग ले लेते हैं तो लॉग बेस का e 1/16 इक्वल टू लॉग बेस e और e रेज टू द पावर माइनस 8 लेमडा, तो ये आ जाएगा log 1 माइनस log 16 इक्वल टू, ये पहले आ जाएगा माइनस 8 लेमडा log e बेस e, ये वैल्यू 1 हो जाएगी, ये वैल्यू 0 हो जाएगी, और ये माइनस log e बेस है और ये 2 की पावर 4 बनेगा, और ये माइनस 8 लेमडा, माइनस कैंसिल होगा, ये 4 भी पहले आएगा, 4 log 2 बराबर 8 लेमडा, और ये आ जाएगा 1/2 log 2 बराबर लेमडा। इसे अगर हम चाहें तो वंस अगेन इस 1/2 पावर को 2 पर लगा सकते हैं, तो लगा ही लीजिए, काम करेगी मुझे ऐसा लग रहा है। तो इसे लिख सकते हो लेमडा इक्वल्स टू लॉग 2 पावर 1/2, ये हमारा लेमडा हो गया, ठीक है। और
लेमडा की वैल्यू प्रति सेकंड ऐसा लिखेंगे, ये। अब आगे हम चलेंगे, इसके लिए वंस अगेन वैल्यू लगाएंगे एन डैश इक्वल टू एन नॉट ई की पावर माइनस लेमडा टी डैश। तो इसको अगर हम हल करेंगे तो एन डैश हमें निकालना ही है, एन नॉट की वैल्यू है हमारे पास 1600 और ई की पावर माइनस लेमडा की वैल्यू है लॉग 2 की पावर 1/2 और माइनस इधर 6 ले आइए ऐसा। तो ये क्या बनेगा, देखिए लेमडा इंटू टी हो गया, तो ये बन जाएगा तुम्हारा एन डैश बराबर 1600 ई की पावर, ये 1/2 अगर पहले आ जाए, यहाँ पहले जैसे ये लिखा है देखिए ध्यान से, अगर ये 1/2 यहाँ आ जाएगा तो ये दो तिहाई 6 काटेगा, तो ये बन जाएगा -3 और log ई बेस log 2 बेस ई, और ये क्या बनेगा एन डैश इक्वल टू 1600 ई रेज टू द पावर log ई 2 रेज टू द पावर -3। अब इस फंक्शन को ज़रा ध्यान से देखिए आप, ये फंक्शन बहुत अच्छा है, ये इतना हम जो डिब्बे में बंद कर रहे हैं, अगर आप लॉगरिथम पढ़े हैं तो ठीक है, नहीं तो आपको हम सिखाते हैं। ध्यान से देखिए, एक ये फार्मूला वेल नोन फार्मूला है आगे की कक्षाओं में, ई रेज टू द पावर लॉग एन बेस ई बराबर एन होता है, यानी अगर ई पर पावर लॉग बेस ई हो तो उस लॉग बेस ई की जो वैल्यू होगी वही एन की वैल्यू होगी। यानी यहाँ पर हम इस पूरे में जो हमने ये एक त्रिज्य खंड के रूप में जितना अंदर कर रखा है यही इसका मान है, क्योंकि यही एन की तरह काम कर रहा है। तो यहाँ पे हम कहेंगे एन डैश बराबर 1600 इंटू 2 की पावर -3 मतलब 1/2 की पावर 3 और ये 8 आएगा, ये आ जाएगा 200 पर सेकेंड। तो इस तरह से जो है ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, और आज की क्लास को भी हम यहीं तक रखेंगे, आगे की क्लास हम अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। वीडियो अगर आपको समझदार लगा हो, वीडियो अगर आपका ज्ञान बढ़ाता हो, तो इस वीडियो को प्लीज़ शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए व्यूअर हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को, और अगर ये सब पसंद आया हो तो आप वैकल्पिक पसंद का जो वहाँ पे सिंबल है उसको क्लिक कर दीजिए, लाइक बटन दबा दीजिए, ताकि हमें उत्साहवर्धन मिलता रहे लगातार। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।